मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइडेंटिटी प्लस एम प्लस एम स्क्वायर यानी कि ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है ट्रेस फाइंड आउट करने का मीनिंग हुआ कि अगर हमें इनके आइगन वैल्यूज मिल जाएं आई के आइगन वैल्यू हम जानते हैं एम और एम स्क्वेयर के आइगन वैल्यू मिल जाए तो हम रेस्पेक्टिव ट्रेस निकाल सकते हैं यहाँ पर एल्फा को डिफाइन किया गया है टू पाई आयोटा अपॉन फाइव यानी कि अल्फा जो है वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है आप यहाँ पर समझ गए होंगे अगर मैं एम की बात करूँ मैट्रिक्स एम यहाँ पर एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो उसके डायगनल एलिमेंट्स होते हैं तो इस मैट्रिक्स एम की जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी वन एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब एल्फा रिज टू पावर फोर और क्यों ये क्योंकि ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो हम यहाँ पर ये जानते हैं वन प्लस एल्फा प्लस एल्फा स्क्स एल्फा क्यूब प्लस एल्फा, एल्फा तो पावर फोर इक्वल्स टू तो जीरो और एल्फा रेस्ट तो पावर फाइव इक्वल्स टू तो वन ये सेम वैसे ही है जैसे कि हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो तो एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू वन ठीक इसी तरह क्योंकि अब हमें m के आइगन वैल्यू पता है तो हम m स्क्वेयर के आइगन वैल्यूज को बता सकते हैं वो क्या होगी वन प्लस एल्फा स्क्वेयर प्लस एल्फा रेस टू दावर सिक्स और ये होगी ये कोमा रहेगा यहाँ पर एल्फा रेस टू दावर एट यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि एल्फा रेस टू दावर फाइव इक्वल्स टू वन होगा तो ये एल्फा होगा और ये एल्फा क्यूब होगा यहाँ से अब हमें क्या पता चलता है कि आइगन के एम होंगी? वो होंगी हूं वन एल्फा, एल्फा, एल्फा होंगी एक दो तीन चार एक आइगन वैल्यू मिस है एल्फा रेस्ट टू द पावर फोर यहां पर आएगा और ये होगा एल्फा इस तरह से वन का स्क्वायर वन टू फिर फोर फिर सिक्स यानी कि अल्फा फिर फोर एट यानि कि थ्री अब ठीक है अब हमें चाहिए था आइगन वैल्यू आइडेंटिटी एम और एम स्क्वायर की तो हमारे पास आइडेंटिटी की जो आइगन वैल्यूज हैं वो वन 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 फाइव टाइम्स वन लेंगे और एम की जो आइगन वैल्यू है वन एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब एल्फा फोर एम स्क्वेयर के आइगन वैल्यू वन एल्फा प्लस करना था इन सभी को तो प्लस करेंगे क्योंकि हमें तो प्लस की आइगन वैल्यू चाहिए थी और फाइनली ट्रेस भी निकालना है तो डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं तो क्या होगा वन सेवन प्लस क्योंकि वन सेवन टाइम्स आएगा सेवन प्लस टू टाइम्स एल्फा प्लस टू टाइम्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स क्यूब प्लस टू टाइम्स एल्फा द पावर फोर इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ फाइव प्लस टू कर दिया और वन जो है वो इनसाइड ब्रैकेट ले लिया ताकि एक रिलेशन यहां पर होल्ड कर जाए प्लस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा की पावर फोर इक्वल्स टू यहाँ पर ये क्या आएगा यहाँ पर आएगा फाइव प्लस टू इंटू ये जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू फाइव इस तरह से हमने इसके आइगन वैल्यू निकाल आइगन वैल्यू निकाल कर जब हमने ट्रेस फाइंड आउट करा वो आपका फाइव आता है ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा